विद्या उसे वहीं पड़े रहने दो, कल सुबह अपने आप वापस आ जाएगा। पिता तुम्हें शायद याद नहीं पर उन्होंने ही कहा था हम सबको साथ साथ वापस जाना है, ना ही एक कम और ना ही एक ज्यादा। अरे क्या एक ज्यादा एक कम, ये सब बर्मन ताऊ ने होश में कहा था। आई एम श्योर अब उसे बेहोशी में कुछ याद भी नहीं होगा। छोड़ो यार रामी, विद्या को लगता है अब बहस करने में हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। भैया चलो यू टर्न लो। अरे दौड़ा लो भैया जितनी तेज हो सके, जल्दी दौड़ो। और जगह से स्लीपिंग करना पड़ेगा। वे वे गाइस, आई हैव एन आइडिया। मतलब आओ। वॉच, व्हाट यू कॉल इट? देखो सामने। गेट डाउन, बैठ बैठ। अभी पता चल रहा है। अरे लाइट जल रही है। करंट है, चिपक जाओगे। चलते रहे तो हो गया। कसम से पीटा। हाँ गिर गया, मैं भी उसे लेके आया हूँ। रामी उसके लिए अभी टाइम है। विद्या एक काम करूँगी, क्या तुम कैप्टन को अकेले रूम तक ले जा सकती हो? हाँ, तो फिर ऐसा करो, तुम कैप्टन को अकेले रूम तक ले जाओ, मैं अपने लकी कार्ड्स का पैक लेके आया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर टुगेदर। ओके पर रामी अनिल वाले चिल में आई कैन वॉक, आई एम फाइन।
बर्मन 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 बोलो इसे ठीक है मैन ये किसी ऐसे शख्स का काम है जिसे टीम कमांडर बर्मन के मुश्किल रवैये डिफिकल्ट ड्रिल्स पसंद नहीं और वो शख्स अभी अभी यहां से गुजरा कैप्टन अभिमन्यु आपको उठा के लाने का स्टंट इतना आसान भी नहीं था गुड नाइट सुबह उठने के बाद इस बात का एहसान मानिएगा थैंक यू मम्मी थैंक यू अब यूं ही आ जाएगी जी मैं हमारा ख्याल रखने के लिए आप नहीं होती तो कोई हमारा ख्याल नहीं रखता आ जाइए स्वर्ग से अपने बेटे के पास छोड़ के चले गए आप हमें आपके जाने से आपका अभी अकेला हो गया बहुत जरूरत है हमें आपकी आप वापस आ जाइए हमारे पास वापस आ जाइए अपने बेटे के सीधे चलो यार अरे आपका कमरा उस तरफ नहीं है
उस तरफ दुश्मनी का कमरा है सूरज, इस तरफ आप दुश्मन की ऐसी चीज ऐसी शुशु क्यों कर रहे हो? यार शुशु मत करो, बहुत जोर से शुशु आ रहा है यार, प्लीज करा दो ना, बहुत जोर से आया, प्लीज करा दो। भला इन्हें बॉडी क्वाइट शुशु वॉशरूम ले जाओ। तो चल पुत्र, हम क्यों लेते जाएं, तुम ले जाओ ना। तो चल पुत्र ले जाए, तुम ले जाओ, चल तुम ले जाओ, तुम ले पुत्र, तुम ये सब नहीं चलेगा। ओके काम करते हैं, हम लोग टॉस करते हैं। ठीक है, चित में जीता पट्टी, ये चित पट क्या करूं, इट्स आई विनिंग टेल व्हाट यू कॉल यू लूजिंग, यू लूजिंग, यू लूजिंग, तुम हार गए। अब सुनी जी को चीटिंग है, हेड्स तू जीता तो टेल्स को मैं जीता। कहां से आ रहे हैं आपके साथ और कौन कौन थे? कोई नहीं, वो तो अभी पता चल जाए। जब सेंटर के सभी लोगों की गिनती की जाए आप कभी तो मेरी बात का विश्वास कीजिए डैड, आप हमेशा ऐसे करते हैं डैड। जब मैंने आपसे कहा था कि वो टॉय ट्रेन मैंने नहीं तोड़ी है तब भी आपने मुझ पर यकीन नहीं किया, जब मैंने आपसे कहा था कि लिविंग रूम का शीशा मैंने नहीं तोड़ा तब भी आपने मुझ पर यकीन नहीं किया, और डैड ट्रस्ट मी बूजो के डॉग बिस्किट्स में वाइन मैंने नहीं मिला। सब लोग वापस आ गए क्या मैम? नो, अभी तक नहीं। वैसे काफी देर हो गई है। शिखर, मैंने आपको कहा था कि आए, लेकिन सर प्लीज सो जाइए, मेजर जनरल कौर खुद गेट पे खड़े थे और अगर उन्हें जरा सा भी शक हो जाए तो वो हेड काउंट शुरू करा देंगे। हमारा सोने का बोल नहीं। सर प्लीज आप विद्या की बात मान लीजिए, नहीं तो नहीं तो क्या करें? देखिए आप करें ना, आप मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकते, आप मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते। विद्या ने आपको परेशान कब किया सर? हाँ वो आपने मुझे परेशान नहीं किया पर मैं परेशान हो गया। आपने मुझे पास सुनाई थी पर आपकी बात सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। सॉरी। कोई बात नहीं सर। बात है? जब तक मुझे बात सुनाएंगे नहीं मेरा सुनने का मूड नहीं करेगा, मूड नहीं करेगा। जिस कहानी के लिए उस दिन 20 मिनट काफी नहीं थे वो आज विद्या कैसे सुना पाएगी सर? आज तो वक्त भी कम है और हर एक पल कीमती है। करेक्ट, आप बताइए। जरूरी नहीं कि पूरी बात एक ही बार में खत्म हो जाए, बाद में भी सुन सकते हैं, हम ब्रेक के बाद भी सुन सकते हैं आप। सुनाइए। ठीक है सर, आप लेट जाइए, विद्या सुनाती है। हाँ सुनाइए। आप लेट जाइए। चलिए सुनाइए। हाँ कर, क्या हुआ? ये कहानी है वंश की, वंश प्रधान की, एक जाबाज नौजवान जिसे किसी का भी कोई डर नहीं था। बचपन से वो सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता था, उस लड़की का नाम था विद्या।
वंश के अलावा विद्या ने किसी और के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, और इसीलिए नहीं तुम्हें। अरे अगर हमें मिले होते तो पूछते क्या, बात करते हो। चिल डूड फिर ढूंढते ओके। अरे कहाँ ढूंढे यार, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कोई खोते हो क्या हो रहा है, किसको ढूंढ रहे हो तुम लोग? सूरी जी को और किसे? सूरी जी को ढूंढ रहे हो? सूरी जी उसको मत कर, छोटा रे तो शुरू कर रहे हैं। अभी सूजू आ जाती है क्या किया? आज आपने हमारा काफी वक्त बर्बाद कर दिया, और इन बेहुदा बातों के पीछे क्या वजह हो सकती है हम अच्छी तरह समझते हैं। हेड काउंट शुरू करवाइए एंड रिपोर्ट इमीडिएटली। आज फिर एक बार आपने साबित कर दिया कि आप अच्छे कैडेट बन नहीं सकते, एक अच्छे सोल्जर बनना तो बहुत दूर की बात है। रमी कौर, इनफैक्ट तुम अच्छे बेटे भी नहीं बन पाए। घर से ज्यादा वक्त तुमने नाजायज दोस्तों के साथ बिताया। किसी ने आज तक तुम्हारी तारीफ नहीं की, यहां तक स्कूल और कॉलेज की टीचर भी हर वक्त तुम्हारी बुराई करती थी, भूले से भी तुम्हारी तारीफ नहीं। जिंदगी में तुमने सिर्फ एक बुरा नाम कमाया, एक बुरा नाम। सर, सब लोग बैरक्स में हैं। कैडेट पूर्वी बिस्ट और डॉक्टर शालिनी इन्फर्मरी में। काउंट पूरा है सर। सर, गेट नंबर 2 पेरीमीटर 4 के पास सिक्योरिटी ब्रिज हुआ है सर। इलेक्ट्रिक बार्ब वायर्स काट दी गई है सर। इसके मायने ये हुए कि आपके साथ कोई था। आपके साथ कौन था? कैडेट रमी गौर। कोई नहीं सर, मैं अकेला था। पुट योर हैंड्स इन द एयर रमी गौर। आई सेड पुट योर हैंड्स इन द एयर नाउ। सुबह तक आपको याद आ जाएगा कि आपके साथ कौन था, और अगर फिर भी याद ना आए तो मिलिट्री की सबसे डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल सजा का इंतजार कीजिए, बेल ऑफ हेल। 4 घंटे अपने हाथ हवा में उठा के रखिए। That's an order। और सुबह तक अपनी सजा का इंतजार कीजिए। अपने दोस्तों के लिए आपकी नाजायज वफादारी सब हवा हो जाएगी। रमी गौर को गेम में कमांडो विंग का डिसिप्लिन ब्रीच करते हुए रेड हैंडेड पकड़ा गया है। हमें शक नहीं, पूरा यकीन है कि इनके साथ कोई और भी था। इनकी सजा सुनाने से पहले आप इन्हें एक आखिरी मौका देते हैं। ये हमें बताएं कि कल रात इनके साथ कौन था। Thank you.